कदम ताल ऐसी जिससे 15 दिनों में नाप दिए 1100 किलोमीटर, वह भी पूरे परिवार के साथ पैदल और साइकिल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। वक्त किसी को ऐसा दिन न दिखाए, खाने के लिए पैसे नहीं है तो सफर करने के लिए कहां से आते, जिसके चलते हरियाणा के अंबाला से मध्य प्रदेश के सीधी तक का सफर कर डाला एक परिवार ने पैदल और साइकिल से। देखिए यह रिपोर्ट। चलते चलते जब पैर जवाब देने लगे, किसी पेड़ के नीचे या किसी छांव में दो पल आराम कर लिया, किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो ठीक है, नहीं तो भूखे ही आगे बढ़ते रहे। पैदल और साइकिल का यह अनोखा सफर तय कर रहे हैं सरई के वह मजदूर जो अंबाला में काम करते थे। हम आपको बता दें, सरई सीधी जिले में सिंगरौली के पास है। अंबाला का नाम तो आपने सुना होगा, यह हरियाणा में है। अंबाला से रीवा तक की दूरी 1100 किलोमीटर है। इन लोगों ने यह सफर पिछले 15 से 16 दिनों में तय किया है। टूटी साइकिल, उस पर लदा सामान, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं अपनी ही धुन में धीरे धीरे अपने सफर की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए तय कर रहे हैं। अभी लगभग 150 किलोमीटर का सफर बाकी है, फिर भी उनको लगता है मंजिल सामने है। यह किसी एक की कहानी नहीं, यह कहानी है उन हजार लाखों परिवारों की जो महानगरों की ओर से अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। अंबाला चले हुए थे काम करने गए थे और वहां से खाना मिलती शासन देते थे, पर बच्चे भूखा कर मर रहे हैं तो पैदल चल दिए सर। जाएंगे सरई ग्राम और सिंगरौली हमारी पड़ता है बैढ़न जिला, तो पैदल ही चले आए। जी पैदल चले आए। कितने किलोमीटर होगा सर? इसको पता नहीं, हम तो भाई इसको क्या बताए। कितने दिन पहले चले थे? हमको होगी 18-19 दिन होगी सर। अंबाला से चले हैं बाबू, जाएंगे जिला सिंगरौली। आज 15 दिन हो गया, 15-16 दिन लगभग हो गया जाने अंबाला से। अंबाला में भूखे मर रहे थे तब भी चल दिए हम। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।